वी द पीपल, हम भारत के लोग। अगर ओबीसी एससी एसटी का नेता या जो सामाजिक काम कर रहा है या जिसने सामाजिक दायित्व अपने आप अपने कंधों पर लिया है और वो आधा बुद्धिजीवी है, जैसे मैंने टीम 22 की पहली वीडियोस में बताया है, तो आप क्या करेंगे जिससे कि आपका काम हो जाए और वो पूरा बुद्धिजीवी हो जाए। जो नेता हमारे होते हैं उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं उससे परिणाम नहीं आने वाले, वो इसका चिंतन मनन भी नहीं करना चाहते, और यदि कोई उनको इस बात की कहता है या जगाता है तो वो कार्यकर्ता या वो कहने वाला उनकी आंख में खटकता है, क्योंकि वो उनकी जो सत्ता है, प्रभुत्व सत्ता है, जो उनकी एक व्यक्ति की सत्ता है, उसको चैलेंज करता है। और भी कार्यकर्ता अगर सुनेंगे तो वो सुनकर इस बात को कह सकते हैं, इसलिए वो उस पर आरोप या प्रत्यारोप कर या किसी भी सामदाम दंड भेद से उसको संगठन से निकाल देता है या बदनाम कर देता है। ये स्थिति अमूमन सभी जगह अप्लाई की जाती है, ये प्रैक्टिस सभी जगह होती है। तो ऐसे में जो जनसाधारण है वो क्या करे जिससे बाबा साहब का दिया हुआ जो लाभ है 70 साल से वो बरकरार हो जाए दोबारा से, और आगे भी समाज को लाभ होता रहे, देश को लाभ होता रहे, और देश पूरी दुनिया में सबसे आगे रहे। आपको अपने नेता को या जो नेता का कार्यकर्ता आपके पास आता है, वो आपके पास दो कारणों से आता है। एक तो वो आपसे पैसा लेने के लिए आता है, संगठन चलाने के लिए सभी को पैसे की आवश्यकता होती है। दूसरा, वो आपसे सपोर्ट के लिए आता है कि आप उसकी रैली में, आप उसके धरने में, आप उसकी मीटिंग में, आप उसके उत्तर प्रदेश बंद, बिहार बंद, भारत बंद, असम बंद में शामिल हो जाएं। ये दो चीज़ें उसे आपसे दरकार रहती है। और तीसरी कि आप उसकी चर्चा, आप उसका सपोर्ट, आप उसका प्रचार, आप उसकी वाहवाही, आप उसकी बात को आगे बढ़ाएं और सभी से बात का कहें कि फलाना नेता बहुत अच्छा है और उसकी जय जयकार करें। ये बातें एक नेता को चाहिए, सभी प्रकार के दुनिया में जितने नेता हैं उनको ये बातें चाहिए। तो जब कार्यकर्ता उनका आपके पास आए, रसीद बुक लेके आए, तो आप उससे पूछें कि भाई इतने दिन हो गए हैं आप के पास कोई प्लान आपने दिया नहीं, हम आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको पैसा भी देते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपका झंडा बैनर भी उठाते हैं, आपकी मीटिंग में भी आते हैं, सभा में भी आते हैं, मगर हमें तो लाभ की बजाय और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये किस तरह का काम आप कर रहे हो? आप ये अलग अलग काम जो कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला है, समस्या एक है तो समाधान भी एक है, आप सब पहले एक हो जाइए तब हमारे पास आना। इस बात को आप उस कार्यकर्ता को कहें और दोनों हाथ जोड़कर उसको नमस्कार करें और कहें कि जब तक आप एक होने की सूचना ना लेके आए, जब तक आपका एक केंद्रीयकृत कार्य प्रणाली सेंट्रलाइज सिस्टम ना हो जाए वर्किंग का, तब तक आप हमारे पास ना आए कृपया करके, क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। दूसरा, आप इस बात को कि नेता को एक होना चाहिए, अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर से या जो पोस्ट आप बना सकते हैं आप उसको लिखिए, आप साधारण कागज पर हाथ से लिख के अपने साथियों को दीजिए, फोन पर बार बार अपने जहां भी बातचीत होती है उनको पूरी बात खत्म होने के बाद ये बात जरूर कहिए कि सभी को एक होना है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जितने भी प्रकार के संगठन जो 10,000 प्रकार के 22 भाषा में और जो 28 राज्यों में बने हुए हैं, ये बात जन जन तक पहुंचानी है कि अब आपको इकट्ठा होना है, हम तभी आपकी मदद करेंगे। आप फेसबुक पे जो स्लाइड बनाते हैं उन स्लाइड के माध्यम से उनको बताएं। सभी प्रकार के नेता, चाहे वो धम्म का, धार्मिक का, या किसी वैचारिक क्रांति का, या किसी मत का है, किसी आश्रम का, किसी मठ का, या किसी बिहार का या भवन का है, या वो किसी राजनीति का है या बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का है, या वो नेता सामाजिक है, या वो नेता सरकारी कर्मचारियों का है, या कोई अन्य प्रकार का भी सामाजिक एनजीओ टाइप कोई संगठन अगर बनाया हुआ है, तब भी आपके मोहल्ले का है, आपके पड़ोस का है, आपके घर का है, आपके जिले का है, तहसील का है, गांव का है, या राज्य का है, या देश का है, किसी भी स्तर का वो संगठन चाहे बेशक है, आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि अब हमारे पास कृपया तब तक ना आए जब तक आप एक ना हो जाएं, क्योंकि बिना एक हुए आपको 10,000 साल तक भी कुछ नहीं मिलने वाला। जब आपको ही कुछ नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? ये छोटी सी बात
समझदार बच्चा भी इसको समझ लेगा। आप जब इसको बार 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 नेता से या नेता के कार्यकर्ता से या उसके फेसबुक पे या उसके प्रचार माध्यम से या उसके टेलीफोन पे या अपने भाषण में या वो मीटिंग जहां लगाता है वहां मीटिंग में आप इसको खड़े होकर कहेंगे या अपने भाषण में कहेंगे या अपने वक्तव्य में कहेंगे या अपने बैनर लगा कहेंगे या कोई टी शर्ट इस तरह की पहन के जाएंगे या हाथ में कोई कागज लहराएंगे, तो नेता को ये समझ में आएगा कि अब उसकी दाल गलने वाली है नहीं। और नेता सब जानता है, आप यकीन मानिए, क्योंकि वो नेता है, वो सब जानता है कि अब पब्लिक की इच्छा क्या है, पब्लिक क्या चाहती है। आप थोड़ा सा एक कदम आगे उठाएंगे वो तीन कदम आगे उठाएगा और वो तुरंत मिलेगा, क्योंकि उसको नेतागिरी करनी ही है, जो बिना उसके रह नहीं सकता। इसलिए उसे मजबूर होके, जब आप उसे मजबूर करेंगे तो वो बहुत जल्दी एक हो जाएगा। और जो काम 14 अप्रैल 2020 तक के लिए पूरी जनता ने, पूरे आवाम ने और पूरे आम आदमियों ने ये बीड़ा उठाया है कि इनको एक करना है और एक होना है, वो काम 14 अप्रैल 2020 से पहले भी हो जाएगा। हो सकता है कुछ नेताओं को इस बात की दिक्कत आए क्योंकि उनके अहम बहुत ज़्यादा हैं, उनको इतनी समझ ना हो, वो आधे बुद्धिजीवी हों कि हम कैसे एक हों। तो 14 अप्रैल को वहाँ सभी समाज के लोग आते हैं अम्बेडकर भवन पर, वहाँ आके वो घोषणा कर सकते हैं, वहाँ आके डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे सारे नेता आके बोल सकते हैं कि अब हम सब एक हैं। कार्य प्रणाली बहुत आसानी से बन जाएगी एक बार अगर वो मन बना लेंगे, और मन तब बनेगा जब आप उनको मजबूर करेंगे, जब आप उनको कहेंगे कि अब वो उनके साथ नहीं हैं, आप जब उनको कहेंगे कि अगर आप हमारे नेता नहीं हैं तो हम आपको किसी भी हालत में अपना नेता नहीं मानेंगे, क्योंकि आप एक नहीं होते, जब तक आप एक नहीं होते हम आपको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं। धन्यवाद।